नमस्कार दोस्तों मैं गणेश शर्मादित्य स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों सीजी टेट के तहत ये जो है आज का वीडियो हमारा साइंस के अंतर्गत जाएगा उष्मा और तापमान का तो ध्यान रखिएगा सुनने में हीट एंड टेम्परेचर कुछ एक जैसा प्रतीत होता है परंतु फिजिक्स में यह ध्यान रखिएगा हीट और टेम्परेचर ये दो अलग अलग अवधारणा है भले ही इनमें एक छोटी सी समानता है ठीक ध्यान रखिएगा ठीक और कुछ अंतर भी है तो आज हम पढ़ेंगे कि तापमान किसे कहते हैं और हीट अर्थात उष्मा किसे कहते हैं तो बिना देर किए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा उष्मा एवं ताप तो सबसे पहले बात हम इस स्लाइड में यह जान लेते हैं कि हीट क्या होता है और और क्या होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों हीट हीट का मतलब होता है उष्मा उष्मा जो है किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है ध्यान रखिएगा हीट क्या होती है किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है ठीक है अब समझिएगा जैसे कि यहां पर लिखा गया है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अर्थात उष्मा जो है उष्मा क्या होती है उष्मा एक प्रकार की शक्ति है एक प्रकार की शक्ति है ध्यान रखिएगा एनर्जी है एक प्रकार की शक्ति है अब इस चीज को समझिएगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी उष्मा क्या है एक प्रकार की शक्ति है ठीक अर्थात शक्ति का मतलब कहने का मतलब है कि वह चीज ठीक ध्यान रखिएगा जिस चीज में उषमा होती है जो चीज उष्मा पैदा करने की क्षमता रखता है ठीक वह शक्ति आरोपित करने की भी क्षमता रखता है अर्थात उससे संबंधित कुछ कार्य होते हैं ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट है हीट कैन मेक थिंग्स हॉट एंड वी कैन यूज हीट टू डू वर्क देखिए दूसरा पॉइंट में उस चीज को यहाँ पर बताया गया है कि हीट अर्थात उष्मा में ठीक किसी भी वस्तु को गर्म करने की क्षमता होती है साथ ही साथ वह उससे संबंधित कार्य करने की भी क्षमता होती है अर्थात उष्मा क्या करता है किसी भी वस्तु को गर्म करता है ठीक है साथ ही साथ ठीक कार्य भी करता है जैसे कि जितने भी पावर स्टेशन है जितने भी ताप विद्युत संयंत्र है ठीक है उन विद्युत संयंत्रों में ध्यान रखिएगा ऊर्जा ऊष्मा के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है ऊष्मा तो किसी में ऊष्मा का ऊष्मा के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है ध्यान रखिएगा कोयला का कुछ ऐसे विद्युत संयंत्र होते हैं न्यूक्लियर जिसमें समझिए नाभिकीय चीजों को ठीक है नाभिकीय जो तत्व होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया प्लूटोनियम हो गया थोरियम हो गया इन तत्वों का वहां पर उपयोग किया जाता है कुल तात्पर्य यह है कि कोयले को और नाभिकीय चीजों को अर्थात यूरेनियम इन सभी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं और ये ईंधन जब गर्मी देते हैं उष्मा देते हैं तो उष्मा से क्या होता है भाप बनता है और उस भाप से टर्बाइन को घुमाया जाता है अर्थात ये उष्मा क्या कर रहा है उष्मा जो है ये कार्य करने की क्षमता रख रहा है तो ध्यान रखिएगा ठीक है आपका जो हीट होता है अर्थात उष्मा जो होता है जो कि गर्म होता है यह गर्म होने के साथ साथ ये कार्य करने की भी क्षमता रखता है और कार्य का मतलब है ध्यान रखिएगा यह दोनों के दोनों क्या करते हैं ठीक इस प्रकार से डायनेमो को चलाते हैं ठीक डायनेमो एक प्रकार का ठीक उपकरण होता है ध्यान रखिएगा डायनेमो एक प्रकार का उपकरण होता है जिसमें हम यांत्रिक शक्ति के माध्यम से ठीक विद्युत ऊर्जा बनाते हैं तो यहाँ पर ये यांत्रिक शक्ति लगाता है भाप जाता है टर्बाइन में ठीक और उस टर्बाइन को घुमाता है ठीक यांत्रिक शक्ति से जब घूमता है तो घूमने के फलस्वरूप ध्यान रखिएगा उसमें इस प्रकार की कुंडलिनियां बना के रखी जाती है जिसके कारण वहाँ पर विद्युत उत्पन्न होता है तो कुल मिला के तात्पर्य यह है कि उषमा ठीक कोयले और नाभिकीय के, के रूप में नाभिकीय पदार्थ के रूप में जो ईंधन के रूप में हम प्रयुक्त कर रहे हैं उससे डायनेमो चल रहा है ठीक क्यों चल रहा है क्योंकि इसी उषमा में किसी प्रकार की शक्ति है ध्यान रखिएगा और यही शक्ति यही पावर जो है ठीक है ध्यान रखिएगा यही पावर क्या कर रहा है इस डायनेमो को संचालित कर रहा है चला रहा है ठीक भले वो भाप के माध्यम से चलाए चलिए ध्यान रखिएगा सोर्स ऑफ एनर्जी तो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सूर्य है ध्यान रखिएगा सूर्य जो है ये हमारा सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सूर्य में क्या होता है ठीक ध्यान रखिएगा सूर्य में हमारा नाभिकीय संलयन होता है ठीक वहां पर दो छोटे छोटे नाभिक दो अलग अलग हल्के नाभिक हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रम में बहुत ही मात्रा में ऊर्जा निकलता है तो सूर्य को हम सबसे पहले समझिएगा इसको प्राथमिक स्रोत के रूप में ले सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जो एनर्जी है एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसका प्राइमरी सोर्स है हमारा सन सन के माध्यम से प्लांट में आता प्लांट के माध्यम से ठीक है मनुष्यों और बाकी जीवों में जा रहा है ठीक दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में जैसे कि हम रबिंग करें जैसे हाँ

उष्मा का मतलब साधारण अर्थ यही हो गया उष्मा एक प्रकार की एनर्जी है एक प्रकार का क्या है पावर है ठीक जो कि हमेशा ध्यान रखिएगा इसका ट्रांसफर किस प्रकार से होता है अधिक ताप से कम तापमान की ओर इसका ट्रांसफर होता है इस चीज को भी आपको जानना है ठीक तो इस चीज को यहां पर आप जानिए इसका जो ट्रांसफर होता है इसका जो ट्रांसफर होता है ठीक हॉट पार्टिकल्स है ठीक इससे कोल्ड पार्ट की ओर होता है हॉट से कोल्ड कोल्ड कहने का मतलब यहाँ पर ठंडा सब नहीं है ठीक तुलनात्मक रूप से ठंडा से है जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक वस्तु है जिसको आप टच कर रहे हैं जैसे कि आप बर्फ को टच कर रहे हो आप जब बर्फ को टच कर रहे हैं ठीक तो आपका जो शरीर का उषमा जो है बर्फ में जा रहा है ध्यान रखिएगा हमने अभी क्या बताया है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ठीक वो हॉट पार्टिकल से ठीक कोल्ड पार्टिकल की ओर होता है रिलेटिवली कोल्ड यानी तुलनात्मक ठंडा ऐसा नहीं कि बर्फ में ठीक है हालांकि अभी मैं बर्फ का उदाहरण लेके चल रहा हूं ठीक तो पहले वाले बर्फ का उदाहरण ध्यान रखिएगा जब हम किसी भी आइस को टच करते हैं बर्फ को टच करते हैं ध्यान रखिएगा बर्फ को टच करते हैं तो हमको क्या लगता है ठंडा लगता है अब वो क्यों लगता है ये बता रहा जब हम किसी भी बर्फ को टच करते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो है ठीक हमारे हाथ से बर्फ की ओर जाता है और बर्फ क्या होता है उसी उष्मा से पिघलना चालू होता है तो हमारा वो पार्टिकल जहां पर हमारे पास उष्मा था उसकी उषमा कहा चली गई बर्फ में चली गई इसलिए वही हिस्सा हमारा हाथ का ठंडा लगता है ठंडा लगता है समझ में आ रहा है ठीक तो हम मतलब यहां पर यह बताने का तात्पर्य था कि एनर्जी का जो फ्लो होता है ठीक है अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है आप ध्यान देखिएगा जैसे कि ये कमरा है या मान लीजिए अभी शीत ऋतु हुआ ठंडा का समय है विंटर सीजन है और इस समय में एक रूम है और उस रूम में दो कुर्सियां हैं जैसे कि एक लकड़ी का कुर्सी है और एक आपका लोहे का कुर्सी है आप ध्यान रखिएगा ठीक ये तापमान में भी शामिल हो रहा है ना ठीक तापमान में भी शामिल हो जाएगा यहां पर ध्यान रखिएगा इन दो वस्तु में से आप अगर एक वस्तु को छू रहे हो लकड़ी के कुर्सी में आप बैठ रहे हो तो आपको वो ज्यादा गर्म मतलब ये ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा लेकिन आप वही एक आपके लोहे के वस्तु या लोहे की कुर्सी में आप बैठोगे तो आपको ज्यादा ठंड लगेगा आप ध्यान रखिएगा ठीक एक ही एक ही रूम के टेम्परेचर पे ध्यान रखिएगा एक ही रूम के टेम्परेचर या बाहर की भी बात करें तो एक ही टेम्परेचर में दो अलग अलग वस्तु है लेकिन दोनों अलग अलग वस्तुओं का तापमान अलग अलग है क्यों क्यों इस रूम में मान लीजिए ठीक यहाँ पर लकड़ी है इसको मैं छूंगा तो इसका तापमान मुझको कम लगेगा और मैं किसी यहाँ पर लोहे से बनी या स्टील से बनी वस्तु को छूंगा तो उसको तापमान ज्यादा ठंडा लग, लगेगा ठंडा लगेगा क्योंकि यहाँ पर ए चल रहा है यहाँ पर बीस डिग्री पच्चीस डिग्री में ए सेट है ठीक क्यों लगेगा क्योंकि जो लकड़ी होता है वो उषमा का कुचालक होता है और जो आपका धातु होता है वो उषमा का सुचालक होता है तो जैसे ही मैं टच करूंगा लोहे को या लोहे की कुर्सी को मेरे हाथ से जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होकर कहां जाएगी ठीक उस ऑब्जेक्ट में जाएगी अर्थात मेरा वह पार्ट जो उसको टच करेगा वहां पर क्या ऑब्जर्व करेगा क्या फील करेगा ठंडकपन महसूस करेगा वहीं पर मैं किसी लकड़ी को छूंगा तो लकड़ी मतलब लकड़ी जो है वो वो बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होता होता है वो का सूचालक नहीं होता है यानी का सुचालक नहीं ठीक तुलनात्मक रूप से तो इसलिए हमारे हाथ से ठीक है हीट जो है वो उसकी और फ्लो नहीं करेगा या करेगा तो बहुत कम मात्रा में करेगा इसलिए ठीक ध्यान रखिएगा ये वाला कंसेप्ट आपको समझ के रखना है कि जो हमेशा एनर्जी का जो फ्लो होता है ठीक है या हीट का जो फ्लो होता है वो हॉट पार्टिकल से कोल्ड पार्टिकल या रिलेटिवली कोल्ड पार्टिकल की ओर होता है चलिए अब यहां पर आपने रिलेटिवलीषमा के बारे में समझ लीजिए अब उष्मा में आप ऊर्जा ध्यान रखिएगा में आप ऊर्जा को समझिएगा ऊर्जा ठीक शक्ति एक ही पार्टिकल है एक ही चीज है पावर अब ध्यान रखिएगा उष्मा में क्या होती है ऊर्जा होती है अब हम पढ़ने वाले हैं इसका यूनिट ऑफ हीट ठीक ध्यान रखिएगा सामान्यतः यूनिट ऑफ हीट को हम दो मात्रक में हम लेके चल रहे हैं पहला मात्रक ले लेते हैं एसआई मात्रक एसआई मात्रक में हम इसका मान ले लेते हैं जूल और वो एक मात्रक होता है सीजीएस मात्रक सीजीएस मात्रक में इसको हम कैलोरी से नापते हैं कैलोरी ध्यान देखिएगा दो मात्रक है पहला मात्रक है जूल एसआई मात्रक जिसको कहते हैं और दूसरा मात्रक है ठीक है सीएसके मात्रक और 1 जूल के अंतर्गत कितना कैलोरी होता है अगर ये आपसे पूछे तो 1 जूल के अंतर्गत 0.24 कैलोरी होता है ये आपको बताना है क्या बताना है कि एक जूल के अंतर्गत ध्यान रखिएगा मैं एक जूल की बात कर रहा हूं ठीक एक जूल के अंतर्गत 0.25 कैलोरी होता है अगर आपसे उल्टा पूछ दे कि एक कैलोरी के अंतर्गत कितना जूल होता है ठीक एक कैलोरी के अंतर्गत हमारे पास 4.186 ध्यान देखिएगा जूल होता है इस चीज को भी आप समझ लीजिए यूनिट ये इकाई है ध्यान रखिएगा एक को हम एसआई इकाई कहते हैं दूसरे को हम कैलोरी कहते हैं तो ये कन्वर्जन पूछा जा सकता है इस प्रकार के तथ्य आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सचेत रहेगा ध्यान से इसको देखिएगा अब मैं आपको कैलोरी क्या होता है इसको बता दूं जैसे कि आप बोलते हैं जिम जाते हैं जिम देखिए साइंस है साइंस को अप्लाइड तरीके से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ पर उदाहरण का बहुत ही महत्व होता है समझ में आ रहा है तो यहां पर आप ध्यान रखिए आप जिम जाते हैं आप जिम जाते हैं आपका एक क्राइटेरिया रहता है कि आज मेरे को इतना कैलोरी बर्न करना यानी कि जो आप फूड कंज्यूम करते हो उसका हम किस रूप में मापते हैं तो कैलोरी के रूप में मापते हैं जैसे कि मान लीजिए आप बटर खा रहे हो तो बटर से हमको इतना कैलोरी एनर्जी मिलेगा आप ब्रेड खा रहे हो तो ब्रेड से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको कैलोरी मिलेगा अर्थात किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हो तो उससे एक निश्चित मात्रा में आपको क्या मिलती है ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा का माप को हम कहते हैं कैलोरी कहते हैं ठीक है आप जिम में जाते हो जिम में आप टारगेट रखते हो कि आज मुझको इतना कैलोरी बर्न करना है यानी कि खपत करना है तब कहीं जाकर हमारा ठीक है एनर्जी लेवल या बॉडी में जो लेवल है एनर्जी का वो संतुलित रहेगा तो ध्यान रखिएगा कैलोरी का अर्थ क्या हो गया अब कैलोरी का अर्थ सीधी सी बात है हम पढ़ रहे हैं क्या एनर्जी पढ़ रहे सॉरी हम पढ़ रहे हैं हीट अर्थात हीट का जब यूनिट कैलोरी है तो कैलोरी का संबंध उष्मा से है किससे है उष्मा से अर्थात अब यहां पर आप समझिएगा एक यूनिट या हम मैं ये कहूं एक ग्राम ध्यान रखिएगा एक ग्राम जल अगर मैं ये कहूं आपसे कि एक ग्राम जल इस एक ग्राम जल को जब मैं ताप दू क्या दू आग दू यहाँ पर ठीक ध्यान रखिएगा आग है ठीक आग है तो उसको थोड़ा सा लाल में बता दू इस प्रकार से रेड कलर में ठीक है एक ग्राम जल को मैं ताप दूं और इस तापमान से इसका तापमान जो है एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए ध्यान रखिएगा एक ग्राम जल को उसके तापमान को उसके वर्तमान अवस्था से एक डिग्री बढ़ाने में जितनी उष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को एक कैलोरी कहते हैं आय समझ में नहीं आया फिर से समझिए कि एक ग्राम जल को एक डिग्री सेल्सियस उसके तापमान में वृद्धि के लिए जितनी मात्रा की हमको आवश्यकता होती है हीट का उसी को हम क्या कहते हैं एक कैलोरी कहते हैं आय समझ में तो एक कैलोरी क्या होता है ये आप यहां से समझ सकते हैं ठीक है आपको एग्जाम में देगा तो एग्जाम में इस प्रकार के डिफिनेशन देगा तो आपका इसका तात्पर्य को समझना है कि एक ग्राम जल के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी मात्रा में हमको उष्मा की आवश्यकता होती है तो उसी उष्मा की मात्रा को हम एक कैलोरी कहते हैं क्लियर है चलिए अब आ जाइए टेम्परेचर जैसे अभी मैं हूं मुझको लग रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है ठंडा है मैं ए का बटन पकड़ूंगा थोड़ा सा उसको बढ़ा लूंगा तो टेम्परेचर क्या होता है ठीक टेम्परेचर जो है रिलेटिव वर्ड है ध्यान रखिएगा टेम्परेचर जो है रिलेटिव वर्ड है जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ हूँ ठीक है जो इस रूम से बाहर है वो अलग प्रकार का टेम्परेचर फील कर रहा होगा क्योंकि ध्यान रखिएगा एक ही निकाय में एक निकाय में एक प्रकार का तापमान होता है जैसे आप निकाय बदलेंगे तो वहां का तापमान भी बदल जाता है तो तापमान का अर्थ क्या है तो तापमान का अर्थ केवल ठंडकता और गर्मी का मात्रा से है ध्यान रखिएगा मात्रा से है ठीक जैसे मैं ये कहूँ यहाँ पर मान लीजिए गर्मी है मान लीजिए सपोज दैट कि मैं अब धूप में हूँ और धूप में मैं फील कर रहा हूँ कि मुझको बहुत गर्मी लग रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझको बहुत उष्मा लग रहा है मुझको ये कहूंगा कि मुझको बहुत गर्मी लग रही है और गर्मी है क्या गर्मी क्या है गर्मी डिग्री ऑफ टेम्परेचर है ठीक जैसे कि मान लीजिए सूर्य है वो 45 डिग्री सेल्सियस में तप रहा है मैं कहूंगा मुझको बहुत गर्मी लग रही है मैं ये नहीं कहूंगा मुझको बहुत उष्मा लग रही है हालांकि उसका सोर्स ऑफ एनर्जी उष्मा है तो तापमान का तात्पर्य केवल इसी से ध्यान रखिएगा ये जो हीट है इस हीट के कारण जो हमको ठीक है हॉटनेस ठीक प्रदान होता है या हीट की अनुपस्थिति के कारण जो हमको कोल्डनेस प्रदान होता है या फील होता है उसी को हम तापमान कहते हैं मान लीजिए मैं धूप में हूँ और धूप में हूँ तो मुझको गर्मी फील होगा यानी जो डिग्री ऑफ हम मेरे को टेंपरेचर फील होगा या डिग्री ऑफ हीट जो फील होगा उसी को मैं हॉटनेस कहूंगा ठीक टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ध्यान रखिएगा वो एक प्रकार का मापक है मेजर है ठीक है किसका मेजर एनर्जी का मेजर कर रहा है ये एनर्जी को जब आप मेजर करोगे तो उसी को हम क्या कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं ठीक चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो और इस प्रकार के टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस फेरनहाइट कैलविन और रूमर के मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं आया समझ में तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है हीट एंड टेम्परेचर का आया अब हम चलते हैं आगे इसी के एक और कंसेप्ट में ठीक हम ये पढ़ लेते हैं ध्यान रखिएगा उष्मा के प्रभाव को ठीक है यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं अब यहां पर थोड़ा सा आपको यह बता दूष्मा का प्रभाव उस्मा का प्रभाव यह आपसे पूछा जा सकता है ठीक इसलिए इस पॉइंट को यहां पर बता रहा हूं जैसे कि पहला प्रभाव के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप उषमा को बढ़ाएंगे तो किसी वस्तु में आपको देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन हो जाता है क्या होता है भौतिक परिवर्तन अर्थात को आप बढ़ाएंगे किसी भी निकाय में तो किसी वस्तु में निश्चित रूप से ध्यान रखिए क्या होता है भौतिक परिवर्तन हो रहा है भौतिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है इस चीज को आप समझिए ठीक है भौतिक परिवर्तन में जैसे कि मान लीजिए मैं इसके सब टॉपिक डिसाइड करता हूं पहला है कि ताप में परिवर्तन ताप में परिवर्तन चलिए दूसरा पॉइंट मैं आपको यह बता दूं अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन तीसरा आपको यह बता दूं कि अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं हेडिंग है भौतिक परिवर्तन अब देखिएगा किस प्रकार के ठीक परिवर्तन हो रहा है भौतिक परिवर्तन किसी वस्तु के उष्मा के प्रभाव से उसके भौतिक संरचना में परिवर्तन को कहते हैं जैसे उसका रूप बदल जाए ठीक या उसका रंग बदल जाए भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन उसके संगठन में परिवर्तन आता है ठीक है ये भौतिक परिवर्तन में ठीक उसका स्वरूप बदल जाएगा जैसे कि कोयला है कोयला को मैं जला दूँ ठीक वो राख बन जाता है तो क्या परिवर्तन हुआ भौतिक परिवर्तन हुआ जो कि ठोस के रूप में था अब वो पाउडर के रूप में राख के रूप में है इसी परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं तो ताप में हम वृद्धि करेंगे तो क्या होगा जी समझिए ताप में वृद्धि करेंगे तो सब सब जिस वस्तु के ताप में हम वृद्धि करेंगे ठीक है जैसे ताप इस पे आती सॉरी ताप बोल रहा हूं मैं ऊष्मा का प्रभाव पड़ रहा है ना जैसे ही मैं किसी भी वस्तु पे ऊष्मा को फोकस करूंगा तो उसका ताप में वृद्धि होगा अर्थात ताप बढ़ेगा ध्यान रखिएगा क्या होगा ताप बढ़ेगा अगर मैं उसके तापमान को उस तापमान के स्तर तक ले जाऊं ठीक है कुछ उसका मात्रक होगा जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी है उस लकड़ी को मैं ठीक एक निश्चित ताप देते 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 इस, इतनी मात्रा में उसके अगर ताप बढ़ते जाए तो वो वो लकड़ी क्या होगा जलने लगता है बर्न कर जाएगा अब जब जलेगा तो उसकी भौतिक अवस्था में क्या आएगा परिवर्तन होने लगता है अर्थात ठीक है यही परिवर्तन है आपका ताप में अगर आप परिवर्तन दोगे ठीक है तो उसके के ताप में परिवर्तन की मात्रा कारण अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है ठीक इंटरलिंक है तो पहला है तो किसी भी वस्तु के ताप में आप मतलब उष्मा में अगर उसमा को बढ़ाओगे तो ताप में परिवर्तन होगा ठीक है दूसरा परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन जिसको अभी मैं बता चुका हूं लकड़ी के एग्जाम्पल के रूप में ठीक है तीसरा है अच्छा सेम चीज लिखा गया यहां पर तीसरा मैं आपको बता दूं आयतन में परिवर्तन क्या परिवर्तन आयतन में आयतन वॉल्यूम में परिवर्तन सामान्यतः आप ये देखेंगे कि जब किसी भी द्रव को आप गर्म करते हो क्या करते हो उसमें प्रदान करते हो तो उसका आयतन फैलता है अर्थात तो उसका आयतन बढ़ता है तो तीन पॉइंट हमने यहाँ पर ध्यान

ठीक तो, तो लकड़ी जो है जल के राख हो जाएगा देखते, आयतन में परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए जल है जल को हम जब तापमान देते हैं तो उसका आयतन में परिवर्तन होता है वो भी थोड़ा फैलता है जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक का वस्तु है प्लास्टिक का वस्तु में अगर तापमान दूंगा तो वो भी क्या करेगा फैलेगा ठीक है एक्सपेंड करेगा ये है उष्मा के तीन प्रमुख प्रभाव अगर हम रासायनिक प्रभाव देखें इसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं रासायनिक प्रभाव प्रभाव तो रासायनिक प्रभाव में ध्यान रखिएगा ठीक जब दो अलग अलग तत्वों को हम मिलाते हैं दो अलग अलग रासायन को मिलाते हैं ठीक तो एक तीसरे प्रकार की चीज निकलती है ठीक है ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है दो अलग अलग पदार्थ अगर मैं इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दू जैसे पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट जब मैं पोटेशियम क्लोरेट को किसके साथ मिलाऊंगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ मिला दूं डाइऑक्साइड, ऑक्साइड तब क्या होगा जब ये दोनों मिलते हैं लेकिन ताप ताप देना है, उसमें उष्मा प्रदान करना है यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को ले लूं और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को ले लूं और इसको मैं गर्म करूं तो ध्यान रखिएगा इससे क्या उत्सर्जित होता है तो इससे उत्सर्जित होता है आपका ऑक्सीजन गैस ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन गैस जो है गैस रूप में उत्सर्जित होता है ये जो एरो आप देख रहे हैं ये गैस का है अर्थात गैस की अवस्था में जो कि उड़ जाती है तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन उषमा के कारण ध्यान रखिएगा चलिए ये हो गया हमारा ठीक है इस चैप्टर में इस टॉपिक में इस पॉइंट में हमने हीट और टेम्परेचर को जान लिया है जब इसको जान लिया है तो इसके बीच की जो डिफरेंस है उसको भी हम जान लेते हैं ठीक है टेम्परेचर क्या है वही जो हमको ज्यादा ठंडी लग रही है गर्मी लग वही टेम्परेचर है आज का तापमान जो है तीस डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर है हम ये नहीं कहते आज कि की उष्मा इतनी है क्योंकि उष्मा की मात्रा इन आपका किससे हम लेते हैं जूल से लेते हैं या कैलोरी से लेते हैं और वो क्या है एक प्रकार की शक्ति है ठीक है यहाँ पर तो तापमान के कारण अलग चीज है छोटा सा अंतर है चलिए यहाँ पर देखिएगा इस डिफरेंस में पहला है डिफिनेशन को देख लेते हैं द हीट इज एन ऑब्जेक्ट द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स मोशन ऑब्जेक्ट कि ठीक है जो है एक प्रकार का एनर्जी है ठीक है जो भी किसी वस्तु पे आरोपित होती है उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं गति करते हैं ध्यान रखिएगा अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर इसको उष्मा हम प्रदान कर दें नीचे से तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है यहीं पर जो मान लीजिए ये, ये मॉलिक्यूल्स है ठीक है इसके अंदर के तो ये यहीं पर नहीं रहेंगे ये एक दूसरे पे ऐसे गति करते हुए नजर आएंगे ठीक है तो सीधी सी बात है हीट क्या है एक प्रकार का एनर्जी है ठीक है थर्मल एनर्जी यानी ये जो थर्मल एनर्जी है इसी का वो मेजर है आया समझ में दूसरा पॉइंट लिखेगा एस आई यूनिट अर्थात यूनिट में हम देखें तो हीट का यूनिट क्या है जूल है ठीक है और इसका सी जी एस

एटम्स मल्टीपा मल्टीप्लाइड बाई द एनर्जी बाय इच एटम अर्थात अभी आप देख रहे हैं ठीक यहां पर बहुत सारे एटम्स है ठीक यह, यह बताता है कि किसी भी पदार्थ का जो सिंगल आपका एटम है सिंगल एटम है ये कितनी मात्रा में ऊर्जा को लेता है ठीक ध्यान रखिएगा पोजेस बाय इच एटम यानी कि यह उषमा की उस मात्रा को दर्शाता है ठीक है जो एनर्जी ठीक किसी एक एटम में संग्रहित होती है आप गर्म करोगे मान लीजिए एक लोहे को एक टुकड़े को जैसे मान लीजिए एक लोहा का टुकड़ा है आप इसको गर्म करोगे तो इसके अलग अलग पहले तो मान लिया हमने इसको भी अब गर्म करना प्रारंभ कर दिया तो ऐसा नहीं कि यहां भी गर्म हो जाएगा ये जो गर्मी है धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा अर्थात इसके पार्टिकल्स जो है हीट को ट्रांसफर करेंगे हॉट से कोल्ड फिर हॉट से कोल्ड ऐसा करते करते ऊपर तक क्या होगा ये हीट ट्रांसफर होगा कहने का मतलब एक एक एटम तक ये हीट एनर्जी पहुंच जाएगा आइए इट इज लाइक अ लेवल ठीक विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच द हीट विल फ्लो अर्थात तापमान यह बताता है ठीक कि कौन सा वस्तु ठंडा है कौन सा वस्तु गर्म है और यहाँ पर हमेशा ठीक गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर क्या होती है तापमान का फ्लो होता है इट इज रिलेटेड टू हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल्स विद इन अ सब्सटेंस आर मूविंग ठीक है अब देखिए भाई दो निकाय की बात हो रहा है कंपेरिजन है मान लीजिए यहां पर एक वस्तु है ठीक जिसका डिग्री तापमान हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है और इसी से सटा हुआ एक और वस्तु है जिसका 50 है जिसका तापमान डिग्री सेल्सियस तो सीधी सी बात है कि हीट का ट्रांसफर ओर होगा आप उसी के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा क्या चीज ये हमारा एक कंपेरिजन है एक कंपेरिजन है जो यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक मैं आपको वो भी बता दूं इट हैज एबिलिटी टू डू वर्क ठीक अब हम एक अलग पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक जो कि स्लाइड में दबा हुआ दिख रहा है एबिलिटी की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं एबिलिटी तो हिट क्या होता है हिट को मैं यहां समझा दे रहा हूं इसकी एबिलिटी क्या है तो हिट जो है ये एबिलिटी टू डू वर्क होता है टू डू वर्क अर्थात जो उष्मा होता है उसमें कार्य करने की क्षमता होती है शक्ति होती है वहीं पर तापमान में कार्य करने की क्षमता नहीं होती यह केवल एक माप है मेजर है ठीक है हमने देखा टेम्परेचर हमने देखा थर्मामीटर ठीक है थर्मामीटर में हमने देखा कि भाई इसको बुखार है या इसको इतना मतलब 36 डिग्री सेल्सियस है सैंतीस डिग्री सेल्सियस है अड़तीस डिग्री सेल्सियस क्या है वो है आपका टेम्परेचर ये टेम्परेचर जो है आपको वर्क मतलब हम एबिलिटी एबिलिटी की चर्चा कर रहे ये टू टू डू डू वर्क वर्क है इट हैज द अर्थात उषमा में कार्य करने की क्षमता होती है जबकि तापमान क्या है इट कैन बी यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हीट वो उसी हीट को मेजर करता है तापमान को मापता है उसी को हम तापमान कहते हैं सिंपल सा कम है चलिए आगे बढ़ते हैं जब तापमान की माप की बात चल रही है तो अब हम उसके स्केल्स को कैसे छोड़ सकते हैं कि तापमान के मापने के अलग अलग पैमाने होते हैं अब उन्हीं पैमानों की यहां पर चर्चा कर रहे हैं पहला है कैलविन पैमाना ध्यान रखिएगा क्या कैलविन क्या? क्या? कैलविन पैमाना ठीक इस कैलविन पैमाने में देखिए अब जैसे मात्रक की बात करेंगे तो दो प्रकार की चीज को आपको समझना पड़ेगा पहला पढ़ना समझना पड़ेगा आपको फ्रीजिंग पॉइंट ठीक और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट को कहते हैं हम हिमांक हिमांक अर्थात वह तापमान जिस पर कोई भी वस्तु जैसे द्रव्य है वो ठोस में बदल जाए जैसे पानी है वो बर्फ में बदल जाए ठीक बॉइलिंग पॉइंट हम उस चीज को कहते हैं क्वनांक इसको हम हिंदी में क्वनाक कहते हैं ध्यान रखिएगा क्वनाक क्वनाक अर्थात ठीक है कोई भी द्रव है वह भाप के अवस्था में बदल जाएगा उसी को हम उसका पॉइंट कहते हैं आया समझ में तो यहां पर दो चीज को आपको समझना है जैसे कि केल्विन स्केल में हम ये कहेंगे कि जो जल का तापमान होता है वो दो सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच डिग्री केल्विन होता है यानी कि ठीक मिनिमम हम कितना कहेंगे टू सेवेंटी फाइव पॉइंट वन फाइव इस तापमान में यह इसका कौन सा पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट है जल का हिमांक है लेकिन इसी को हम ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट को कितना कहेंगे थ्री सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव तीन सौ तिहत्तर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है टू सेवेंटी फाइव से लेकर ठीक थ्री सेवेंटी थ्री ठीक ये सेवेंटी फाइव नहीं होगा ये सेवेंटी थ्री होगा ध्यान रखिएगा यहां पर तो दोनों के बीच पर डिफरेंस है हंड्रेड का इस चीज को भी आप डिनोट करके चलिए कितना का डिफरेंस है मतलब इसके न्यूनतम तापमान और इसके मतलब इसके हिमांक और इसके आपके बॉइलिंग पॉइंट यानी के बीच का डिफरेंस कितना है तो हंड्रेड दूसरा पॉइंट आ जाते हैं जिसको हम फेरन हाइट कहते हैं फेरन हाइट में किसी भी चीज का ध्यान रखिएगा फेरन हाइट और इस फेरन हाइट में किसी भी वस्तु का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है आपका थर्टी टू डिग्री फेरेन ठीक और अधिकतम अर्थात बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक 212 डिग्री फेरन और यहां पर ध्यान देखिएगा फेरन में आपका डिफरेंस कितना दिख रहा है 180 का डिफरेंस दिख रहा है अर्थात ठीक है इसका हिमांक और इसका क्वनांक इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 180 डिग्री का इस मात्रक में अगला देख लेते हैं सेल्सियस स्केल जिसका हम लोग बहुत आयत में प्रयोग करते हैं आपको सेल्सियस के बारे में तो बिल्कुल पता होगा सेल्सियस सेल्सियस चलिए सेल्सियस में ध्यान रखिएगा इसमें हिमांक हम हमेशा क्या लेते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस और जो पॉइंट लेते हैं उसको हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अर्थात जीरो डिग्री सेल्सियस में जल जो है बर्फ में बदल जाता है उसी को इसका हिमांक कहते हैं अर्थात जल जो है जैसे दूसरा पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में हमारा जल जो है उबल के क्या होता है भाप में बदलना प्रारंभ हो जाता है उसी को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं अगला है रियूमर स्केल ध्यान रखिएगा रियूमर चलिए रियूमर में हम इसका सबसे न्यूनतम अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट को लेते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस और हम जीरो डिग्री और इसको अधिकतम बॉइलिंग को लेंगे एट्टी डिग्री ठीक है और ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा एट्टी का तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि ये जो सामने हमने लिखा है ये फ्रीजिंग पॉइंट है और हमने जो सेकंड में लिखा है वो बॉइलिंग पॉइंट है अब देखिएगा रिलेशन एक कंपेरिजन होता है ठीक तो इस कंपेरिजन के लिए इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिएगा ठीक जो आपको पूछा जाता है समझ में आ रहा है जैसे कि ठीक है इसमें इसी के मात्रक के हिसाब से आप यहाँ पर पुट करके आप किसी भी चीज़ का मात्रक को चेंज कर सकते हैं जैसे आपको ये पूछ दे कि डिग्री सेल्सियस को फायर में बदलो तो आप इसको ले लीजिएगा ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर बता के नहीं बताऊंगा ठीक है बना के यहाँ पर बस आपको बता दूं यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस के मात्रक को रखना है तो वो फायर में बदल जाएगा तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है चलिए यहां तो आपने देख लिया कि ये जो रिलेशन होता क्या है डिग्री सेल्सियस का ठीक है ये आपका न्यूनतम है ध्यान जीरो डिग्री और टोटल कितने होते हैं तो हंड्रेड जैसे कि ये वाले हंड्रेड यहां पर आप देख रहे हैं कि फेर का हमारा जो न्यूनतम तापमान है थर्टी टू लेकिन इसके उच्चतम तापमान के बीच का अंतर कितना वन तो इस प्रकार से इस यूनिट को बनाया गया है अगर मान लीजिए आपको फेर से ठीक है कैलविन में बदलना है तो बाकी चीजों को हटा दीजिए इन दोनों के मान को एक जगह रख लीजिए अर्थात इसका मान और यहाँ पर फेर एनहाइट के तापमान को, ताप को यहाँ पर आप पुट कीजिएगा उसके बाद एक्सचेंज कर लीजिएगा कहने का तात्पर्य है ये के को एक तरफ रखिए बाकी मान को आप एक्सचेंज कर सकते हैं जो कि आप गणित में फिजिक्स में पढ़े हैं ठीक है चूंकि यहाँ पर समय अभाव है इसलिए इसको हम मैं यहाँ पर डिराइव कर नहीं रहा हूँ केवल आपको ये बता रहा हूं कि ये जो सूत्र है ये जो रिलेशन है ये आपको हीट को ट्रांसफर करने में काम आएगा डिग्री सेल्सियस से फेर या फेरहाइट से र्यूमर या ठीक है डिग्री सेल्सियस से कैलविन किसी में भी आप परिवर्तित कर सकते हैं चलिए हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे अब ध्यान यहाँ पर एक तापमान है डिग्री सेल्सियस आपको बहुत पूछा बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस ठीक और साथ ही साथ फेरन ये दोनों एक होते हैं ठीक ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस और फेरन दोनों का मान जो है माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस में एक ही होता है ठीक है आया समझ में अब ध्यान कुछ और फैक्ट है जिसको आपको जान लेना चाहिए कि जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है ठीक हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है इसको हम डिग्री सेल्सियस पर कैसे मापेंगे तो थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस ध्यान रखिएगा हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में हम इसको ये मापेंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस लेकिन हाँ अगर फ़ारेनहाइट में मापना है इसी चीज़ को फ़ारेनहाइट में मापना है 98.6 ध्यान रखिएगा डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक 88.6 फ़ारेनहाइट में हम इसको मापते हैं ठीक है अब अगर इसी चीज़ को हमको आ, कैलविन में मापना है तो 310 सौ कैलविन माप जाएगा कहने का मतलब तापमान वही है हमारा शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है जो 36 हम जिसको बोलते हैं वही है लेकिन फेर हाइट में उसका जो माप है वो अंठानवे दशमलव छः है और कैलविन में माप है 310 सौ तीन सौ दस कैलविन तो ये इसी प्रकार का कन्वर्जन एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसको मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार का कन्वर्जन आपको यहां पर देखने को मिलेगा जैसे कि अभी यहाँ पर फिर चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98 डिग्री है लेकिन सॉरी ये फ़ारेनहाइट में है हाँ बिल्कुल 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में लगभग सैंतीस ले लेते हैं क्यों क्योंकि अभी हमने पढ़ा है थर्टी डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है रूम का टेम्परेचर अंठानवे फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में बोले तो बीस डिग्री सेल्सियस ठीक वाटर जो बॉइल्स होता है ठीक है डिग्री सेल्सियस में हम सौ डिग्री सेल्सियस कहते हैं यहां पर दो बारह कहेंगे क्योंकि ये उसका उच्चतम है ध्यान रखिएगा और इसी में हम अगला वाटर का फ्रीजिंग यानी फ्रीजिंग का मतलब हिमांकों को देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस यानी जीरो डिग्री सेल्सियस में ठीक है जो द्रव होता है वो बर्फ में बदल जाता है और 32 डिग्री फेरन हाइट में वो क्या होता है ठीक है वही माप है यानी ये जीरो डिग्री सेल्सियस आपका 32 फेरन हाइट के बराबर है यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस 212 सौ फेरन हाइट के बराबर है यहां 20 डिग्री सेल्सियस अड़सठ फेरन हाइट के बराबर है और यहां पर आपका छत्तीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस अंठानबे फेरन हाइट के बराबर है ये दोनों मेजर एक है ठीक है हालांकि एक स्केल को फेर स्केल कह रहे दूसरे स्केल को सेल्सियस स्केल से कह रहे अगला हमारा एक पॉइंट है जीरो ठीक परम परम शून्य शून्य ताप ताप समझिएगा इस चीज को बहुत प्रकार के ताप तो सुना होगा आपने ये परम शून्य ताप क्या है ठीक है तो सैद्धांतिक रूप से किसी भी वस्तु का ध्यान रखिएगा अधिकतम तापमान हाईएस्ट टेम्परेचर निर्धारित नहीं है अरे समझ में ठीक सैद्धांतिक रूप से किसी भी वस्तु का अधिकतम तापमान निर्धारित नहीं है लेकिन न्यूनतम तापमान निर्धारित है चलिए अब इस चीज को आप समझिएगा ठीक सैद्धांतिक रूप से किसी भी वस्तु का क्या चीज तापमान अधिकतम तापमान निर्धारित नहीं है लेकिन न्यूनतम तापमान निर्धारित है और वह कितना तापमान है ध्यान देखिएगा न्यूनतम ठीक कितना तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस -200 डिग्री सेल्सियस तो ध्यान देखिएगा इससे कम टेम्परेचर क्रिएट नहीं किया जा सकता इसलिए इस माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है परम शून्य तापमान कहा जाता है अगर इसी को कैलविन पे, पे कहें तो जीरो कैलविन हम कहेंगे क्यों क्योंकि आपने अभी यहां पर पीछे देखा है ठीक है कैलविन के स्केल में ठीक दो सौ तिहत्तर हमारा फ्रीजिंग है ठीक है दो सौ तिहत्तर हमारे डिग्री सेल्सियस में जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है चलिए ये हो गया हमारा ठीक परम शून्य तापमान इसका एक और तापमान होता है ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक हीट ठीक है, हीट किसे कहा जाता है तो स्पेसिफिक हीट पहले हमने में, आ, कैलोरी में जल की मात्रा को लिया था यहाँ पर पदार्थ है, किसी भी एक पदार्थ के अगर हम इसके तापमान को बढ़ा रहे हैं ठीक क्या आप दे रहे हैं इसको हम उषमा दे रहे हैं तो इसके तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी तो ये जो उष्मा इसको हमको देना पड़ रहा है ध्यान रखिएगा ये जो उष्मा हम दे रहे हैं ठीक क्या दे रहे हैं हम इसको उष्मा इसी उषमा के माप को हम क्या कहेंगे स्पेसिफिक हीट अर्थात विशिष्ट उष्मा वह उष्मा है जिसे किसी भी वस्तु के एकांक द्रव्यमान को ध्यान रखिएगा एकांक द्रव्यमान को एक डिग्री सेल्सियस उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा है और उसी आवश्यक उष्मा को हम क्या कहते हैं ठीक है स्पेसिफिक इस हीट इसको कहेंगे हिंदी में विशिष्ट उष्मा विशिष्ट ऊषमा चलिए यह बातें आपको समझ में आ गई अब हम आगे अपने अगले पॉइंट में बढ़ते हैं ठीक है के उपयोग क्या क्या ठीक तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले ठीक जो है हमारे मानव जीवन के लिए किसी भी जीव के जीवन के लिए एक निश्चित तापमान आवश्यक है जैसे कि धरती पे हमारा एक निश्चित तापमान जिसके कारण धरती पे जीवन संभव हो पाया है इससे पहले ध्यान रखिएगा हिम युग था तो हिम युग के समय आज के जितने प्राणी हैं इतने प्राणी तो उस समय नहीं रहते होंगे ठीक है आप इसी चीज की तुलना आप बाकी ग्रहों से कर सकते हैं बाकी ग्रहों में में ऐसा मतलब तापमान में बहुत सारी भिन्नता है साथ ही साथ वहां पर वायुमंडल का भी अभाव है तो जीवन के लिए एक निश्चित प्रकार के जीवन के जीवन लिए जो कि हमको धरती पे देखने को मिलता है ठीक तो उष्मा का उपयोग हम ये समझ सकते हैं कि एक निश्चित प्रकार का जब उष्मा आया तब धरती में जीवन जो है आसान हुआ ठीक और उस उषमा में ध्यान रखिएगा ठीक बहुत सारे जीवपन पे आपको बता दूं जैसे कि आप अगर आप नॉर्दर्न या साउदर्न कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे जो कि हिम प्रदेश है तो उसकी तुलना में जैव विविधता जो है भूमंडलीय प्रदेश में ज्यादा है ठीक भूमंडलीय मतलब भूमध्य रेखी प्रदेश में ठीक है भूमध्य रेखी प्रदेश में अधिकतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साल भर सूरज का तापमान लगभग बराबर बना रहता है ठीक यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश भी होती है ठीक है एक निश्चित प्रकार का यहाँ पर उष्मा हमको हमेशा मिलता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक तो है तो भूमध्य जो प्रदेश होते हैं ठीक भूमध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जिस स्थान पे भूमध्य प्रदेश में आपको बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा है ठीक वो किसके कारण है उष्मा के कारण है जैसे कि आप ध्यान रखिएगा उष्मा से ही तो आपका बादल मतलब बादल बनेंगे वही बादल जाके आपको वर्षा करेंगे और वर्षा उपवन का निर्माण करेंगे और इस प्रकार का जो प्रदेश है ठीक भूमध्य प्रदेश पर अधिकतर पाया जाता है चलिए अब हम इसके सामान्य उपयोग को देख लेते हैं ठीक सबसे पहले ध्यान रखिएगा ऊष्मा से हम ऊर्जा बनाते हैं ऊष्मा से ऊर्जा बनाते हैं अब ये कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा जैसे कि हम कोयले से ऊर्जा बना रहे हैं कोयला से जैसे हम से यूरेनियम से बना रहे हैं यूरेनियम से बना रहे हैं ठीक जैसे डैम का जो जल है ठीक यानी कि हम क्या कहें उसको डैम हम डैम के जो स्थिति जो ऊर्जा है यहां पर स्थिति जो ऊर्जा है इस डैम के जल से भी हम क्या बना रहे हैं ठीक है विद्युत बना रहे हैं और बेसिक कंपोनेंट है क्या ध्यान रखिएगा आपका जो टार होता है ठीक टारबाइन टरबाइन लिखिए आप टरबाइन इस टरबाइन को घुमाना है ठीक और इस टर्बाइन को घुमाने के लिए आपको चाहिए ऊर्जा ठीक है तो यहां पर यहां पर ध्यान रखिएगा उष्मा नहीं है यहां पर उष्मा ऊर्जा नहीं है यहां पर स्थिति ऊर्जा है इस चीज को समझिएगा आप ठीक बाकी दोनों स्थानों पे अर्थात कोयला कोयले वाले आपके न्यूक्लियर थर्मल पावर पा, सॉरी थर्मल पावर प्लांट में और आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन दोनों जगहों पे ठीक उष्मा के माध्यम से भाप पैदा किया जाता है और वही भाप जो है जाके टरबाइन को थ्रस्ट देता है जिसके कारण ठीक विद्युत उत्पन्न होता है और इसी टरबाइन को घुमाने का काम डैम में जल के द्वारा किया था। जब जल उस टरबाइन के ब्लेड पर जाता है तब टरबाइन क्या होता है घूमता है और उसी टरबाइन के घूमने से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो हम कह सकते हैं कि उष्मा से ऊर्जा की हुई वित्पत्ति होती है अर्थात उसका निर्माण होता है दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए सामान्य रूप से उषमा से हम भोजन बनाते हैं क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं भोजन ठीक है हम भोजन को पकाते हैं बनाते नहीं है हम भोजन को क्या करते हैं पकाते हैं चलिए तीसरा ध्यान रखिएगा तीसरा है घरेलू उपयोग में समझिए इस चीज को घरेलू उपयोग में जैसे गीजर है जैसे प्रेस है आयरन जिसको हम कहते हैं प्रेस इलेक्ट्रिक प्रेस तो इन सभी में हम किसका यूज करते हैं उष्मा का यूज करते हैं अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा ठीक जैसे कांच की बोतल है जैसे कि कांच की बोतल अब पहले क्या होता था जब कांच की बोतल में कार्क लगा होता था समझिएगा कार्क कार्क उसके ढक्कन आज के समय के टाइप के ढक्कन नहीं हुआ करते थे उस समय कार्क का उपयोग किया जाता था तो अगर मान लीजिए कि कोई भी बोतल है जिसमें कार्क का ढक्कन के रूप में प्रयुक्त हुआ है और वो फंस गया है तो उसको क्या करते थे उस हिस्से को गर्म कर दिया जाता था जिससे क्या होता था वो कार्क आसानी से निकल जाता था तो ये उपयोग था ठीक अब दूसरा इसी में आप देख सकते हैं कि ये कांच के बोतल में अगर मान लीजिए ठीक है टीन का जैसे कि आजकल ढक्कन लगा होता है ना ठीक ढक्कन की बात कर रहे हैं ठीक ढक्कन की बात कर रहे हैं तो इस ढक्कन को मान लीजिए नहीं निकल रहा है तो उसको कैसे निकाला जाता है गर्म किया जाता है तो कांच की तुलना में ठीक ये जो ढक्कन है जो कि धातु का बना होता है ठीक ये से ये सुचालक होता है और जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से गर्म होने से हमने पढ़ा है कि गर्मी से आयतन बढ़ता है या प्रसार होता है यहाँ तो ये जो है इसका जो पकड़ है ये कमजोर हो जाए क्यों क्योंकि इसके अड़ुओं में ठीक एनर्जी के कारण मूवमेंट होगा ढक्कन के और वो जो है एक्सपेंड कर जाता है ठीक है एक्सपेंड करने से उसमें थोड़ा सा अपेक्षा

और लकड़ी के ऊपर जो है लोहे का परत चढ़ाया जाता है ठीक लोहे का एक पूरा पट्टी चढ़ाया जाता है तो उसको करते क्या है ठीक लोहे को पट्टी को चढ़ा के उसको जब गर्म करते हैं ठीक तो वो क्या करता है उस चीज को पूरे सांचा को इसको अच्छे से जकड़ लेता है ठीक जिसके कारण ये क्या करता है ठीक फिर टस से मस नहीं होता है कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो लक, ये गाड़ियों में जो लकड़ी का पहिया होता है ठीक है इसके ऊपर हम क्या करते हैं ठीक है इस्पात या लोहे का एक लेयर चढ़ा देते हैं अब इसको हम क्या करते 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 हैं करते हैं लेयर चढ़ाने के बाद गर्म 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 तो करने से क्या होगा पकड़ लेता है यानी कि इस पर अच्छा सा ग्रिप बना लेगा कुछ मात्रा में फैलता भी है ठीक मान लीजिए इसको हमने तो ठीक पूरा टाइट ही दिया है ठीक हम जैसे इसको गर्म करेंगे सभी तरफ से इसको आग जला दिया जाता है ध्यान रखिएगा इसी पोर्सन में और आग के कारण इसमें उष्मी प्रसार होता है लेकिन जैसे ही ठीक आग को हटा दिया जाता है या आग को बुझा दिया जाता है तो वो जो लोहा है उसको अच्छे तरीके से जकड़ लेता है ये गाँव में दैनिक चीजों में इसको हमेशा आपको देखा गया है तो एक प्रयोग ये हो गया तो इस प्रकार ये हमारे यहाँ उष्मा के सामान्य प्रयोग हो गए अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो अलग अलग वस्तु है अब मान लीजिए मैं इस वस्तु को गर्म करता हूँ और इस वस्तु को गर्म नहीं कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा इस वस्तु को मैं यहाँ पर आग जला दिया हूँ गर्म कर रहा हूँ अब देखेंगे पहले ये वस्तु का ये वाला हिस्सा गर्म होगा फिर धीरे से मतलब क्या है इस प्रकार से इसका उस पर जो ऊपर की ओर जाएगा जब भी ये पूरा निकाय गर्म हो जाएगा तब हीट का ट्रांसफर जो इस तरफ होगा क्यों क्योंकि इससे सटा हुआ है और आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो गर्म है ठीक है गर्म से हमेशा अपेक्षाकृत कम गर्म की ओर इसका प्रवाह होता है ठंडा से मतलब नहीं है कम गर्मी की ओर इसका प्रवाह होता है ऊर्जा का उष्मा का ठीक अर्थात ये निकाय होगा अर्थात यहां तात्पर्य यह है कि उष्मा का आदान प्रदान इसी प्रकार से होता है ठीक है और इसी प्रकार से उसमा जो है प्रवाह प्रवाहित होती है ठीक ये कॉमन नेचर है कि जो ज्यादा गर्म वस्तु है उसके बाद वो जो है ठीक इसके मोलिक्यूल जो है एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे इस पे फिर बगल वाले पे बगल वाले पे और अंतिम पे जाके ये वाला सिरा भी गर्म होगा और जब ये दोनों पूरा निकाय क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा तब कहीं जाके उसमा का प्रवाह एक समान रहेगा ठीक है समझ में आ रहा है एक समान का मतलब हमेशा ये जो सामने वाला एरिया है वो तो ज्यादा ही गर्म रहेगा निश्चित रूप से क्योंकि ये प्राथमिक प्राथमिक रूप रूप के से एनर्जी को रिलीज कर रहा है और ये जो अंतिम हिस्सा है यह अपेक्षाकृत इस वाले हिस्से से थोड़ा सा कम ठंडा रहे क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी में है और ये भी है कि ऊर्जा का जब ट्रांसफर होता है तो ऊर्जा का क्षय भी होता है ठीक है कहने का मतलब जो ऊर्जा यहाँ पर इसको रिसीव हो रहा है वो ऊर्जा इसको यहां पर रिसीव नहीं होगा क्योंकि यहाँ यहाँ से यहाँ जाने के बीच में इसको क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यानी कि यहाँ से यहाँ तक गमन हो रहा है और इस गमन में ऊर्जा का क्षय भी होता है ठीक है ऊर्जा जो है शत प्रतिशत एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर नहीं की जा सकती चलिए ये हो गया आदान प्रदान अब हम अगला पॉइंट हम देख लेते हैं गलन क्वनांक हिमांक और वाष्पन एक डायग्राम में इसको हमको समझना है आसान तरीके से समझना है चलिए आइए देख लेते हैं एक-एक करके समझिएगा बड़ा पहले तो मैं सिंपल तरीके से इसको आपको समझा देता हूं कि है क्या जैसे गलन गलन का मतलब है मेल्टिंग अर्थात वह तापमान ध्यान रखिएगा कि गलन यहां पर मैं आपको एक अलग पॉइंट ले लेता हूं ठीक वह तापमान वह तापमान जिस तापमान में कोई भी वस्तु जो है ठीक है ये क्या होता है अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जैसे कि मान लीजिए ये बर्फ है क्या है ये बर्फ है ठीक है आइस है ये आइस जो है पिघल के क्या हो जाएगा पानी बच जाएगा यानी कि ठीक है ये जो ठोस अवस्था में था अब ये ठोस अवस्था में क्या हो गया तो द्रव अवस्था में ये परिवर्तित हो गया कहने का तात्पर्य है गलन या मेल्टिंग तापमान का वह बिंदु होता है जिसमें कोई भी ठोस जो है ठीक अपनी अवस्था में परिवर्तित कर लेता है जैसे बर्फ है बर्फ से क्या बन गया पानी बन गया चलिए हम दूसरी वस्तु ले लेते ले ले हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक ले लेते हैं ये जो प्लास्टिक है ठीक हमने क्या होता बचपन में ध्यान रखा आपने भी प्लास्टिक से गोल गेंद बना के खेला होगा ठीक अगर उसी को ध्यान रखिएगा जो कि मान लीजिए इतने सारे आपने पन्नी लिया होगा या प्लास्टिक लिया होगा उसको गर्म करके कर करके आपने क्या बनाया होगा गेंद बनाया होगा बचपन में इस प्रकार से करते थे तो वो क्या बता रहा है ध्यान रखिएगा जब किसी भी प्लास्टिक में आप बहुत ज्यादा तापमान करेंगे तो ये भी किस अवस्था में बदल जाता है द्रव अवस्था में और खुद प्लास्टिक है क्या तो ठोस अवस्था ठीक अर्थात ध्यान देखिएगा जब किसी भी ठोस को हम गर्म करते हैं और गर्म गर्मी का वह तापमान वह उच्चतम तापमान जब वह अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है अर्थात ठोस से क्या बन जाता है द्रव तो उसी को उस बिंदु को उस तापमान के उस बिंदु को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं जैसे ये बर्फ है जो कि एक ठोस है अब इस ठोस को हमने क्या कर दिया गर्म किया ध्यान रखिएगा गर्म किया ठीक है और गर्म किया तो ये किस में बदल गया ये बर्फ जो है लिक्विड में बदल गया तो जिस तापमान में ये बदलेगा उसी उसको मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं प्रोसेस हो रहा है का पिघलने का लेकिन एक निश्चित तापमान के बाद ही पिघलेगा ऐसा नहीं कि 10 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाए नहीं ऐसा नहीं है उसको थोड़ा सा उच्च तापमान की आवश्यकता होगी 10 डिग्री सेल्सियस में तो वो आराम से फ्रिज में पड़ा रहेगा चलिए अब ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट है क्वनांग जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा क्वथ नांक ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं बॉइलिंग देखिए समान रूप से कहते हैं आलू को बॉयल कर रहे हैं सब्जी को बॉइल कर रहे हैं ठीक है तो बॉइल पानी हो रहा है तो उस बॉइल पानी में आलू भी क्या हो रहा है उसमें ग्रहण करके फूल रहा है वास्तव में आलू बॉयल नहीं हो रहा है पानी बॉयल हो रहा है क्योंकि उसकी अवस्था में परिवर्तन आया है अवस्था आलू की अवस्था में परिवर्तन आया क्या नहीं आया जैसे कि ठीक है बॉइलिंग पॉइंट हम किसको कहेंगे यहीं पर पहले समझ लीजिए ये जो लिक्विड है ठीक ये जो पानी है ये पानी को जब हम इस पे तापमान देते हैं तो जब ये तापमान अपनी अवस्था से पहले किस अवस्था में था ये द्रव अवस्था में था अब अपनी अवस्था बदल दे रहा है ठीक द्रव अवस्था से बॉइलिंग करेंगे तो जब गैस अवस्था में बदल जाएगा तब जिस तापमान पे बदलेगा उसी तापमान को ध्यान रखिएगा ठीक है उसी तापमान को हम क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे और इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे ठीक है आलू क्या हो रहा है आलू जो है पानी के साथ गर्म हो रहा है और उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आ रहा वो बेचारा गर्म हो गया ठीक है और वो क्या कहना चाहिए गर्म होने से मान लीजिए उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से ढीले हो गए हैं ठीक है एक अड़ू का जो उसके अड़ूथ थे अंदर में जो छोटे छोटे सेल्स थे वो सेल्स जो है एक दूसरे को थोड़ा सा छोड़ चुके हैं जो ठीक है लिविंग थे थे जो एक दूसरे को सक्रिय रूप से पकड़े थे, वो अब नहीं पकड़े रहेंगे ठीक है वो सामान्य उदाहरण है तो बॉइलिंग का मतलब है ठीक है वह तापमान जिसमें कोई भी द्रव क्या होता है ठीक है अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाती है उसी तापमान को हम क्वना या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ये दो बिंदु आपको समझ में आ गया तीसरे में चलते हैं हिमांक ठीक है हिमांक हिमांक समझिए अब फ्रिज का आप उदाहरण ले लीजिए फ्रिज के फ्रीजर में आप क्या करते हैं आइस क्यूब के लिए उसमें आइस क्यूब बनाने के लिए आप पानी डालते हैं अपने ट्रे में और उसको हम कहा रखते हैं फ्रीजर में क्या होता है फ्रीजर में नीचे क्यों नहीं जमता है ठीक क्योंकि उसको जमने के लिए एक निश्चित तापमान में चाहिए और यहां पर भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है जब द्रव एक जब द्रव किसी एक निश्चित तापमान के बाद अपने आप को द्रव से में बदल ले ठोस तो उसी अवस्था को हम कहते हैं फ्रीजिंग यानी ये जो द्रव था अब द्रव से वो किस में बदल गया सॉलिड में बदल गया ठीक और यही क्या है फ्रीजिंग तो ध्यान रखिएगा ठीक सब जो है जितने भी देखिए जल है जल का फ्रीजिंग पॉइंट अलग है एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट अलग है ठीक है तो अलग अलग वस्तुओं का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग वस्तुओं का बॉइलिंग पॉइंट और अलग अलग वस्तुओं का मेल्टिंग पॉइंट अलग है जैसे कि मान लीजिए आप प्लास्टिक को पिघलाएंगे तो मान लीजिए वो सौ डिग्री सेल्सियस में पिघल जाएगा लेकिन स्टील जो है वो सौ डिग्री सेल्सियस में नहीं पिघलेगा उसको कम से कम हजार डिग्री सेल्सियस चाहिए इसी प्रकार आप देखेंगे कि अलग अलग धातु जो अलग अलग तत्व है उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है सेम चीज यहां पर भी होता है कोई भी ऐसा द्रव जैसे पानी को हम बॉइल करते हैं तो जिस तापमान पे पानी बॉयल होता है आवश्यक नहीं कि अल्कोहल उसी तापमान पे बॉइल करे आवश्यक नहीं कि और कोई द्रव जो है उसी तापमान पे बॉइल करे कहने का मेरा तात्पर्य है अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है सेम चीज अप्लाई होता है हमारे किसमें ठीक है फ्रीजिंग में अर्थात हिमांक में हिमांक में भी अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग हिमांक होता है अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट होता है जैसे कि पानी है पानी जो है जीरो डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में पिघल जाता है लेकिन एल्कोहल जो है इसमें नहीं पिघलता इसीलिए ठीक है एथिल एल्कोहल को एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में ठीक है पेट्रोल में डालते हैं इंजन में भी डालते हैं पेट्रोल में भी डालते हैं पेट्रोल में डालते हैं ताकि वह जो है ठीक ठंडे प्रदेशों में आपका जमे नहीं ठीक ध्यान ठंडे प्रदेशों में नॉकिंग की प्रॉब्लम होती है जम जाते हैं ठीक इसलिए उसको जमने से बचाने के लिए उसमें एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है नॉकिंग एजेंट कहते हैं ठीक आया समझ में इतना हो, इतना होने के बाद एक और पॉइंट है हमारा वाष्पन वेपोराइजेशन ठीक गैसी है गैसीय अवस्था है वेपोराइजेशन समझिएगा वाष्प क्या देखिए जिस अवस्था में हम जैसे द्रव को हम बॉयल कर रहे हैं और जब बॉयल कर रहे हैं तो ये गैसी अवस्था में जा रही है और इसी को हम इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहेंगे ये एक्चुअली में प्रोसेस है क्या है प्रोसेस एक प्रक्रिया है ठीक है वेपोराइजेशन में हम ये कहेंगे कि द्रव जो है वो गैसी अवस्था में उड़ गया ठीक जैसे कि हमने पानी है पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ऊपर भाप निकलता है उसी भाप को निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि वेपोराइजेशन या वाष्पन कहते हैं लेकिन जिस अवस्था में जिस तापमान में वो भाप निकलता है उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं तो मैंने ठीक डिफरेंस बता दिया ये जो है तीनों एक निश्चित प्रकार के बिंदु हैं तापमान के जिसमें इस इस प्रकार का काम होता है और वाष्पन एक प्रकार की क्रिया है ठीक वो क्रिया है और ये एक तापमान का माप है आया समझ में चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर और।, और हमारा अगला पॉइंट है संघनन और बड़ा सिंपल सा उदाहरण है ठीक है संघनन आप उदाहरण लीजिए यहां पर ध्यान यहां रखिएगा ये जो लिक्विड है ठीक जैसे ये तालाब है मान लीजिए तालाब का पानी या समुद्र का पानी सूर्य के गर्मी से क्या होता है तप रहा है ठीक ध्यान रखिएगा सूर्य के गर्मी से तप रहा है यहां सूर्य बना दे रहा हूं ये सूर्य की गर्मी से तप रहा है तो जो हीट है हीट यहाँ पर आ रहा है हीट के कारण जो है ये इवोपरेशन हो रहा है अर्थात भाप के रूप में ऊपर जा रहा है और जैसे ही भाप के रूप में ऊपर जाता है तो धरती का तापमान की अपेक्षा ऊपर का तापमान कम होता है इसलिए वहाँ पर जल के जो अणु हैं एक दूसरे के साथ सड़ जाते हैं और इसी प्रोसेस को संघनन कहा जाता है ठीक ये भाप के रूप में जैसे अलग अलग अवस्था में इस प्रकार से उड़ते हुए चले गए ठीक है ध्यान रखिएगा लेकिन जैसे ही ऊपर में जाते हैं तो ऊपर में तापमान कब है तो ये जल के अणु कुछ और ज्यादा निकट आ जाते हैं और इसी अवस्था को हम कहते हैं संघनन ये क्या है आपका संघनन है ध्यान रखिएगा संघनन और ये जो बादल है इस चीज को भी समझ लीजिए बादल बादल ये बादल है इसी जो वेपराइज जो वाटर मोलिक्यूल्स है ठीक है इसी का संघनित रूप है अलग नहीं है ठीक है बादल क्या है ठीक जल वाष्प का ही संघनित रूप है तो आपको ये समझ में आ गया संघनन क्या होता है ठीक है संघनन किसी ठोस का नहीं होता है संघनन हमेशा द्रव का होता है द्रव मतलब लिक्विड का ठीक आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि स्टील का संघनन ठीक है आपने कभी गैस का भी संघनन नहीं किया होगा एक्चुअली में संघनन द्रव का होता है और द्रव जो है ठीक है द्रव जो है भाप के माध्यम से उड़ता है ऊपर जाके किस अवस्था में बदल जाता है ठीक संघनित अवस्था में बदल के रहता है ठीक इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कहते हैं ठीक है आया समझ में लेकिन ध्यान रखिएगा ठीक संघनन तो हो गया ठीक सॉरी अभोप्रे, तो हो गया ठीक इवोप्रेशन हुआ ना यहां से ठीक यहां पर जैसे ही संघनित हुआ और यहाँ पर इसका तापमान क्या है कम है ठीक जब इसका तापमान उच्च ऊपर में जाते हैं जब जल के अणु आपस में मिलते हैं ठीक तो ये भारी तत्व तो बना लेते हैं भारी बनाते हैं और यही वर्षा के बूंद के रूप में नीचे गिरते हैं और इसको हम संघनन कहते हैं यान संघनित तो बूंदे है हम क्या बोलते हैं संघनित बूंदे तो भाप जो ऊपर जाता है संघनित हो जाता है और वही संघनित जो है संगनित मतलब एक अणु दूसरे अणु के पास आता है भारी हो जाता है नीचे गिर जाता है ठीक यानी वर्षा का कारण संघनन है जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता दू ठीक जैसे कि आप घर में खाना बनाने के बर्तन को देखते होंगे इस प्रकार का मान लीजिए एक बर्तन है ठीक इसके ऊपर हम लोग ढक्कन का प्रयोग करते हैं आप देखे होंगे ढक्कन का ठीक आप जब देखेंगे जब चावल पकाते हैं जब ढक्कन जो है उसको पुश करता है तो उस अवस्था में ठीक है मतलब जब चावल पकता है तो जब इस प्रकार का भाप जो थ्रस्ट मारता है ऊपर के ढक्कन को उस अवस्था में आप ढक्कन को उठा तो के देखिएगा तो ढक्कन के नीचे में आप देखेंगे कि बहुत सारे बूंदे हैं और वो बूंदे जो टपकेंगी तब के मतलब जो वास्प गया वो वाष्पीकरण हो गया ठीक है ऊपर गया ऊपर में एक चीज से टकराया जहां पर उसका तापमान अपेक्षाकृत कम था और वहां पर जितने बूंदे हैं वो आपस में संगनित हो गई ठीक है एक दूसरे के नजदीक आई

अब यहाँ पर बारिश देखिए बादल में पानी सभी जगह होता है लेकिन सभी जगह बारिश होते हुए नहीं जाता है ठीक है वो तापमान पर निर्भर करता है किस स्थान पे तापमान है उसी जगह पे उसका ठीक है बारिश होना भी तय रहता है चलिए अब आइए ये प्रोसेस हो गया अब पातन, अब ये बोलेंगे सर सर अभी सर के ऊपर बादल है तो क्यों नहीं गिर रहा है क्योंकि अवस्था में ठीक है, करते हैं, है? अब हम पढ़ते हैं ऊर्ध उपातन ये बड़ा ही गजब का कंसेप्ट है उर्धातन सामान्यता क्या होता है चलिए सामान्यता जो होता है आप ये देखे होंगे जैसे कि पदार्थ की तीन अवस्था है पहली अवस्था है ठोस दूसरी अवस्था है द्रव्य ठीक है और तीसरी अवस्था है गैस आया समझ में चलिए अब मान लीजिए ये बर्फ है क्या है आइस अब मैंने आइस को क्या किया गर्म किया आइस क्या में बदल जाएगा द्रव में बदलेगा ठीक है फिर मैं इसको गर्म करूंगा ठीक है तो गर्म यह क्या बनेगा गैस में बदलेगा अर्थात कोई भी एक चीज होती है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसका निश्चित क्रम होता है पहले वो ठोस था तो वो किस में बदल गया द्रव में अब द्रव को और ज्यादा मैंने गर्म किया तो गैस में अब ध्यान रखिएगा ठीक है ऊर्ध्वपातन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेस जंप हो जाता है अब मैं एक दूसरे पदार्थ को गर्म करता हूं जैसे मैं कपूर को गर्म करूंगा आप लोग कपूर को जलाते होंगे आरती करते समय कपूर को कपूर कैसी अवस्था में है ठोस अवस्था में जब इसको आप गर्म करते हैं अर्थात जलाते हैं तो इसका द्रव बिखरता है क्या आरती के थाली में ऐसे आप जब आरती करते हैं तो कपूर बिखरता है क्या नहीं बिखरता है वो सीधा जलता है और गैस अवस्था में धुएं के रूप में उड़ जाता है यानी कि ये कपूर जो है सीधा ठीक है गैस अवस्था में बदल जाता है और इसी के इसी गुण को उर्धपातन या सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है कपूर का उदाहरण रखिएगा आप किस चीज का कपूर का जो डायरेक्ट ठोस से ठीक है गैस अवस्था में बदल जाता है तो यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर आपने संघनन और सब्लिमेशन पढ़ लिया संघनन को आप समझिएगा एवोप्रेशन के के माध्यम से ऊपर जगह गया जल की बूंदे वहां पर संगठित अवस्था में इकट्ठे होती है बारिश होना का कारण जो है उसी संघित बूंदों का माना जाता है ठीक है और वो भौगोलिक प्रदेश के हिसाब से बारिश होता है ठीक है लेकिन ये बादल है क्या बादल जो है वर्ष अब बादल जो है वाष्पीकृत जो जल है उसी का संगणित इकट्ठा रूप है क्या है इकट्ठा रूप है संगणित रूप आज अब चलिए हम दैनिक जीवन में उष्मा के उष्मीय प्रसार को पढ़ लेते हैं प्रैक्टिकली इस चीज को पूछा जाता है ठीक है उष्मीय प्रसार अब इस चीज को हमने गुण में पढ़ा था यानी उष्मा के जब प्रभाव पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि उष्मा हम किसी भी चीज में आरोपित करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है क्या बढ़ता है तापमान लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले बैलगाड़ी का उदाहरण जिसको उदाहरण को हमने देख लिया है तो यह आपको समझ में आ गया आया समझ में दूसरा देखते हैं थर्मामीटर के उदाहरण थर्मामीटर में क्या होता है थर्मामीटर में इस हिस्से में ध्यान रखिएगा पारा रखा जाता है पारा पारा मरकरी जब पारा जय देखिए जैसे इसको हम क्या करते हैं मुंह में डालते हैं या बगल में से डालते हैं तो इसको पारा को क्या रिसीव होता है हीट हीट रिसीव होता है हीट। ये जो है अर्थात जो को संग्रहित करता है या उष्मा को प्राप्त करता है और कोई भी द्रव ध्यान रखिएगा उष्मा को प्राप्त करके क्या करता है यह अपने आयतन को बढ़ा देता है अर्थात यह प्रसार करता है ठीक ध्यान रखिएगा प्रसार करता है एक्सपेंड करता है ठीक है चलिए जैसे ये प्रसार करता है तो ये जो है ठीक एक्सपेंड करते निकलते हुए जाएगा जितना ज्यादा तापमान उतनी मात्रा में प्रसार और इसी के माध्यम से थर्मामीटर क्या करता है आपका ठीक है तापमान को बताता है तार, तापमान का निर्धारण करता है तो सीधा सा तात्पर्य है कि जैसे पारा का हम उपयोग इसलिए करते हैं कि पारा ही ऐसा मात्र एकमात्र द्रव्य है ठीक जिसमें कम, मतलब जिसमें हम अगर तापमान देते हैं तो उसमें नियत प्रसार होता है ठीक अनियत प्रसार नहीं होता है इसीलिए पारा को थर्मामीटर में प्रयुक्त किया जाता है अगला उदाहरण देख लीजिए ये ढक्कन इन भाई साहब से नहीं खुल रहा है ठीक है ये ढक्कन इनसे नहीं खुल रहा है तो कैसे खोलेंगे जब ढक्कन है इस प्रकार से नहीं खुलता है तो हम इसको क्या करते हैं थोड़े देर धूप में रख देते हैं देखे होंगे ना घर में ठीक है मम्मी ऐसा ही करती है थोड़े देर धूप में रख दिए धूप में रखने से क्या होता है जब उसको उष्मा मिलता है तो ढक्कन जो है एक्सपेंड करता है यानी उष्मा मिलने के कारण वो ढक्कन जो कि धातु का बना है या प्लास्टिक का बना होता है थोड़ा सा प्रसार करेगा प्रसार करेगा तो बाद में आराम से खुल जाता है अर्थात इस हिस्से में हम जब ताप देते हैं तो चूंकि ये ढक्कन जो है उस आपका स्टील का है या प्लास्टिक का है स्टील का मान लीजिए तो ये क्या है आपका उषमा का ज्यादा सुचालक होता है शीशे के अपेक्षा तो ये क्या करता है उषमा को ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेता है और अपने आप को थोड़ा सा प्रसारित कर लेता है जिसके कारण आसानी से खुल जाता है रेलवे प्लेट में ध्यान रखिएगा रेलवे में ठीक है आप रेलवे के बारे में तो जान ही रहे होंगे जब ध्यान रखिएगा जब रेलवे का पटरी बिछाया जाता है ठीक तो दो प्लेट के बीच में कुछ गैप रखा जाता है इस प्रकार से और इसको अलग माध्यम से ऐसे जोड़ के रखते हैं अलग प्रकार के माध्यम से लेकिन ये गैप मेंटेन रखते हैं क्यों गर्मी के समय में ठीक ध्यान रखिएगा जब तापमान बढ़ेगा तो पटरियां जो है अपने आप को एक्सपेंड करती प्रसारित करती है उषमा का साधारण गुण है कि जब कोई भी उष्मा किसी भी धातु पे आपतित होती है तो वह धातु प्रसार करता है तो जब फैलेगा तो ये वह एरिया है इसी एरिया को ये फिलअप कर लेते हैं अगर नहीं करते हैं अगर इसको सटा के बना दिया जाता एकदम सटा रख दिया जाता तो एक धातु दूसरे धातु पे ठीक बल आरोपित करता और पटरियाँ मुड़ जाती है ध्यान रखेगा

षमा से चालकता और सुचालकता की बात कर लेते हैं ठीक जब किसी भी चीज पे हम उषमा का आरोपण करते हैं जैसे कि मान लीजिए उषमा ये हो गई हमारी उषमा उष्मा को जब हम किसी भी चीज पे उषमा जाती है तो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसमें उष्मा जो है आसानी से प्रवाहित होती है ठीक है और कुछ ऐसे वस्तुएं होती है ठीक जिसमें उष्मा का प्रवाह जो है अपेक्षाकृत कम होता है या नहीं होता है ठीक तो जिसमें होता है उसको हम सुचालक कहते हैं कंडक्टर और जिसमें कम होता है या नहीं होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं जैसे कि मान लीजिए उष्मा की बात हो रही है तो हमें एक लोहे लोहा को ले लेते ले हैं है हाँ ना लोहा की छड़ ले लेते हैं या इस्पात को ले लेते हैं ठीक या टीन को ले लेते हैं ठीक या आप क्या कर सकते हैं किसी भी प्रकार की धातु को ले लीजिए क्योंकि धातु में तो सुचालक जो है ऐसा गुण है ठीक जिसमें उष्मा का प्रसार जो है होता है यानी उष्मा का उसमें परिवहन होता है ठीक है कुचालक ऐसा चीज है ठीक जिसमें उष्मा का परिवहन नहीं होता यानी कि आप उसको गर्म करोगे तो वो गर्म नहीं होगा ठीक है अब आइए इसको उदाहरण देख लेते हैं जैसे कि ध्यान रखिएगा कॉपर अर्थात तांबा ये उषमा का बहुत ही अच्छा सुचालक है ठीक है एल्यूमिनियम भी, भी उस्मा का बहुत अच्छा सुचालक है स्टील भी बहुत अच्छा सुचालक है कुल मिला के एनी मेटल्स कोई भी धातु धातुषमा के बहुत अच्छे सुचालक है डिफाइन किया गया है एनी एनीमेटीरियल दैट कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू इट यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो रहा है या आप ये भी समझिए उषमा पास हो रहा है क्या पास हो रहा है उष्मा ठीक है इंसुलेटर उसको कहते हैं जो इस उष्मा को प्रतिरोध कर देता है जैसे गर्मी के दिनों में हम इंसुलेटर के रूप में क्या करते हैं फॉल सीलिंग लगाते हैं ताकि जो ठीक छत और हमारे फॉल सीलिंग के बीच में एक गैप मेंटेन हो और उस गैप में हवा रहता है जिसके कारण हमको गर्म गर्मी नहीं लगता है ठीक ध्यान रखिएगा ठीक है गर्मी नहीं लगता है तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा इंसुलेटर है आपको प्लास्टिक को ध्यान रखिएगा गर्म होती हुए आपने नहीं देखा है रबर को भी गर्म होते नहीं देखा है ग्लास को भी गर्म होते नहीं देखा है तो यहाँ पर भले ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी लिखा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी क्रिएट क्या हीट यानी कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है ठीक है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी और एनर्जी क्या है ठीक है हीट से ही आपका एनर्जी पैदा होता है तो जहां जहां इस प्रकार की चीजें होंगी वो कॉमन रूप से आएगा ठीक है क्लॉथ है क्लॉथ भी आपका इंसुलेटर है ध्यान रखिएगा अगर कोई गर्म वस्तु है जैसे कि मान लीजिए चूल्हे पे या गैस पे कोई बर्तन है जो कि गर्म हो गया हम क्या करते हैं कपड़े से उतारते हैं यानी क्लॉथ हमारा क्या है ठीक है इंसुलेटर है उसी प्रकार ऊट भी हमारा इंसुलेटर है ठीक है अगर आप ध्यान रखिएगा जैसे कि आग लगा हुआ है ठीक जैसे कोयला है उसके कोयले को अगर हम छड़ छड़ डाल दे उसमें, तो छड़ डाल दें तो के माध्यम से क्या होगा वो गर्म होते वो होते आपके हाथ तक वो गर्मी आपको आभास होगी लेकिन लकड़ी ऐसा नहीं होगा भले लकड़ी सामने से जल जाए लेकिन वो उतनी तरीके से धातु की अपेक्षा कम मात्रा में हीट का ट्रांसफर करता है या नहीं करता है तो यहां पर आपको बस ये जानना है कि उषमा का जिसमें उषमा आसानी से बह जाए प्रवाहित हो जाए उसमें उसे उषमा का सुचालक कहते हैं जिसमें उषमा का प्रवाह आसानी से ना हो या बिल्कुल ना हो उसको हम उषमा का कुचालक कहते हैं तो सुचालक कुचालक आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं संचरण की विधि ठीक तो जो हीट होता है जो उष्मा होता है वो कैसे जाता है कैसे संचरण करता है कैसे ट्रांसमिट करता है तो उसके लिए तीन विधियां यहां पर बताया गया है पहला चालन दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण समझिएगा आराम से समझिए चालन जो है हमेशा सॉलिड में होता है समझिएगा इस चीज को जो संवहन होता है यह हमेशा गैस में होता है और जो विकिरण होता है ठीक है विकिरण के लिए एक्चुअली में किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ठीक इट नॉट रिक्वायर्स मीडियम ठीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब के माध्यम से ये जो है ठीक है ट्रांसमिट करता है चलिए एक ही एग्जाम को एग्जाम्पल में हम पहले देख लेते हैं जैसे कि ये गैस है समझिएगा यह बर्नर है ठीक इस बर्नर से बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे हैं निकल रहा है ठीक जिसके कारण इस पैन में रखा हुआ पानी गर्म हो रहा है है अब ध्यान रखिएगा पर जो मॉलिक्यूल्स वो अप एंड डाउन हो रहा है तो गर्मी को रिसीव कर रहा है ये पानी और ध्यान रखिएगा ये क्या कर रहा है मोलिकुल्स हीट हो रहा है अब मैं यहाँ तीनों चीज को बता रहा हूँ पहला चीज को समझिएगा पहले मैं आपको समझाऊंगा चालन ठीक कंडक्शन अब ध्यान रखिएगा चूंकि ये बर्तन धातु का है तो गर्म इस एरिया से गर्म होते होते धातु का यह गुण होता है कि जितने छोटे छोटे एटम्स ये अपने हीट को ट्रांसफर कर देते हैं बगल वाले एटम्स में ठीक है आप आपको पहले बता चुका हूं कि उष्मा का जो संचालन होता है परिवहन होता है वो गर्म पार्टिकल से ठीक रिलेटिवली कम गर्म पार्टिकल की ओर होता है अर्थात ये ज्यादा गर्म हिस्सा है बर्तन का तो कर्म गर, कम गर्म हिस्से की ओर यह जाएगा और इसी प्रकार पूरे बर्तन की ओर जाएगा साथ ही साथ इस हैंडल की ओर भी जाएगा और ये हैंडल भी गर्म होगा अर्थात धातु जो गर्म होता है ठीक उसका कारण आपका चालन है कंडक्शन है आया समझ में ठीक है जैसे कि मान ये सॉलिड है ये लोहे का एक टुकड़ा है ठीक है अगर मान लीजिए मैं लोहे के इस टुकड़े को यहाँ पर गर्म कर दू यहाँ पर बर्नर के माध्यम से तो ये जो गर्म पहले तो यहाँ पर रिसीव करेगा और धीरे धीरे रिसीव करते हुए पूरा इस हिस्से में जाएगा एक एक एटम जो है हीट को ट्रांसमिट करेगा तो सॉलिड में कंडक्शन होता है क्लियर है अब आज इसी में लिक्विड भरा हुआ है उसको देख लेते हैं पहले ध्यान रखिए जल के नीचे के अणु गर्म हुए अब यही अणु जो है ऊपर की ओर गए हैं ठीक है तो ये ऊपर की ओर जाना ही क्या कहलाता कहला है आपका कन्वेक्शन कहलाता है ध्यान रखिएगा ठीक है ऊपर की ओर जाना ही क्या कहता है कन्वेक्शन जैसे कि समुद्री स्थान पे ध्यान रखिएगा ये ठीक है ये मान लीजिए समुद्री स्थान है ये समुद्र है समुद्र समुद्र यहां पर जब सन की रेज पड़ते हैं तो समुद्र का जो भाप है मतलब ये जल है ठीक है कहां की ओर जाएगा भाप के रूप में ऊपर की ओर जाएगा ठीक इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं संघनन कहते हैं यानी कि जल जो है वाष्पित होकर ऊपर की ओर जाता है यही संवहन कहलाता है ठीक है ध्यान रखिएगा यही उदाहरण आपका एग्जाम में पूछा जाता है समुद्र के जो जल धाराएं होती है ठीक जैसे ही सर आपका सूर्य ने गर्मी दिया इस समुद्र पे समुद्र के जो जल है वो वेपोरेट होके ऊपर गया यही उदाहरण आपका है आपका संवहन का अर्थात ध्यान रखिएगा ये गैस के साथ साथ किस अवस्था में भी होता है ठीक हम क्या कह रहे हैं द्रवों में क्योंकि द्रव को ही एक्सपेंड करके गैस में बदलता है ठीक तो संवहन द्रव गैस इन दोनों का आप यहां पर ले लीजिएगा गैस का संवहन द्रवों द्रवों पे जब तापमान गिरता है तो यही द्रव जो है गैस अवस्था में जाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से जो ठीक है तो यह भी कन्विक्सन है और यहाँ पर ठीक है ये गैस में जा रहा है क्योंकि जब भी ठीक जल पे आरोपित होगा ठीक है तो जल से भाप बनेगा भाप से क्या होता है भाप जो है हमेशा ऊपर की ओर होता है अगर मान लीजिए स्थलीय भाग में सन का रेज पड़ता है तो जो यहाँ का वायु है इस चीज को समझिएगा ये वायु जो है इस गर्मी को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड करता है और हल्का हो जाता है हल्का होने के कारण क्या होता है ये वायु जो है हल्का होने के कारण ऊपर की जाता है ठीक है ठीक और जिसके कारण क्या होता है कि ये जैसे होगा तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा क्या क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम अब बाकी हवा हवा जो है ठीक दूसरे एरिया के हवा उस एरिया को भरने के लिए आता है ठीक तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक है समुद्र में इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती है जो समुद्री समीर कहते हैं समुद्री समीर का मतलब दिन के समय ठीक स्थलीय भाग जो है ठीक ये क्या होता है ज्यादा गर्म होता है समुद्री भाग से चूंकि स्थलीय भाग ज्यादा गर्म होता है यहाँ की वायु गर्म होकर हल्का होती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है ठीक है वहीं पर अपेक्षाकृत बात कर रहा हूं अपेक्षाकृत समुद्र का ठीक चूंकि समुद्र क्या है बहुत गहरा होता है ठीक है सन का रेस जो है बहुत दीप तक जाता है ठीक तो इसलिए ज्यादा पानी को गर्म करने के लिए बहुत अंदर तक जाता है यहां पर क्या है सतह बहुत ही ठीक सॉलिड है समझ में आ रहा है ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता तो यहां का जो आपके जो वायु है इस वायु को ये आकर्षित करती है और इसी को कहते हैं हम लोग सी ब्रिज ब्रीज़ ध्यान रखिएगा समुद्री हवा ठीक जो दिन के समय चलती है रात के समय ये उल्टा हो जाता है ये प्रोसेस चलिए रेडिएशन क्या होता है तो रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है जैसे यहां पर देखिएगा आग जल रहा है ठीक है आग जल रहा है इस व्यक्ति ने क्या पकड़ा है लोहा पकड़ा है तो कंडक्शन हो गया यानी चालन हो गया ठीक है लेकिन दूर से व्यक्ति आग को ताप रहा है तो कैसे चला गया भाई ठीक इसने तो डंडा भी नहीं पकड़ा है ना तो ये, हाथ को रखा है, हाथ को रखता, तो ये गैस गर्म हो रहा है यह गैस जो है ऊपर की ओर जा रहा है और गैस की गर्मी का एहसास करेगा मान लीजिए ठीक है नीचे में आग लगा हुआ है अब ज्यादा मात्रा में आग लगा हुआ है तो आप पहले मंजिल में भी उसका गर्मी को एहसास कर सकते क्यों पहली मंजिल तक गर्मी क्यों आई ठीक जैसे होलिका का दहन हो रहा है तो मान लीजिए ज्यादा मात्रा में हो रहा है वहां पर ना, आग तो मान लीजिए आप ठीक है बहुत ऊपर में है तो आग जो है ऊपर तक फील आएगा क्यों आएगा क्योंकि ज्यादा मात्रा में हीट है ठीक है तो मेरा कहने के तात्पर्य है छोटा मात्रा में एनर्जी है जो थोड़ा सा ऊपर में आप उसको गर्मी को रिलीज रियलाइज कर सकते हो ठीक है ज्यादा मात्रा में आग है तो उसका ठीक है अमाउंट ऑफ गैसेस को ज्यादा डिप्लेस करेगा या ज्यादा गर्मी रहेगा तो वो ज्यादा दूर तक उसका ठीक है प्रसार होगा लेकिन ये क्या कर रहा है ठीक ये तो काफी दूर में है और बगल में है ऊपर में भी नहीं है तो बगल में ये रेडिएशन के माध्यम से क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है अर्थात रेडिएशन क्या होता है तो रेडिएशन को समझने के लिए हमको इस चीज को समझना पड़ेगा आइए देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा सूर्य यहाँ है ठीक है और आपका अर्थ यहाँ है लेकिन इसकी गर्मी जो है हमको हमारे तक पहुंच रही है ना तो यहां पर कोई लोहा है ना तो कोई माध्यम है तो किस माध्यम से पहुंच रहा है अर्थात रेडिएशन एक ऐसा माध्यम है ठीक ध्यान रखिएगा ठीक ऊर्जा के संचरण का जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ठीक है और रेडिएशन में सूर्य जैसे अपने प्रकाश से रेडिएट होकर धरती पे आरोपित हो रहा है इसी प्रकार के उष्मा के संचरण को क्या कहते हैं हम ठीक है रेडिएशन या विकिरण कहते हैं और यह प्रमुख रूप से लक्षण है इलेक्ट्रो वेव का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव का ठीक इसका भी उदाहरण आप ले सकते हैं ठीक है 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 ये उसमें आता है। में रेडियो एक्टिव जो है, वो आता है ठीक है तो विकरण को भी आपने पढ़ लिया ठीक है जैसे सी ब्रीज का उदाहरण मैं बता रहा था वो थोड़ा सा पीछे में था जिसका डायग्राम मैंने वहां पर बना लिया था आप यहां भी समझ लीजिए ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक यहाँ पर आप देखेंगे कि गर्मी के समय दिन का समय है ठीक इसकी चीज दिन के समय स्थलीय भाग जो है ज्यादा गर्म होता है किसके अपेक्षा समुद्री भाग से इसलिए हवा का दिशा इस प्रकार से होता है समझ में लेकिन ठंडी बाग में उल्टा होता है ठीक जल जो है अपना जल जो है काफी अंदर तक गर्म हुआ रहता है इसलिए वो अपना गर्मी को रिलीज जल्दी नहीं कर पाता और जो स्थलीय भाग है ठीक है बहुत अंदर तक स्थल के भाग गर्म नहीं हुआ रहता है ऊपर सतह गर्म हुआ हुआ रहता है इसलिए वो अपने आप को जल्दी ठंडा कर लेता है इसलिए हवा जो है कहाँ चलती है ठीक ठंड स्थल से गर्म स्थल की ओर क्योंकि यहाँ पर गर्मी है तो यहाँ का हवा ठीक है क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पर निर्वात बनेगा और ये यहाँ पर कि आपके एयर को खींचेगा या ठीक है उस वैक्यूम के कारण हवा जो है हवा का प्रभाव स्थल भाग से जल भाग होगा और ये दोनों का दोनों चीजें हैं आपका उदाहरण संवहन का तो इस चीज को आप यहां पर समझ गए होंगे ठीक है इसी को हम स्थलीय समीर कहते हैं इसको जल समीर कहते हैं या समुद्री समीर कहते हैं समुद्री समीर और इसको हम क्या कहेंगे स्थलीय समीर कहते हैं चलिए ये हो गया ठीक ये हो गया हमारा रेडिएशन तो बड़ा सिंपल सा है ठीक चालन संवहन और रेडिएशन तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा ये हमारा हीट अर्थात उष्मा साथ ही साथ तापमान से संबंधित जितने अवधारणा आपके और हमारे सिलेबस टीएटी के सिलेबस में दिए गए थे मैंने उसको एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी ठीक है अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार